सफाई के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव भी बढ़ गया है। एहतियातन सीमा से सटे गांवों को खाली कराया गया है। पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जिन्हें खाली करा दिया गया है। तीन राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि जब तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है तब तक वो सीमा से सटे इलाकों में न रहे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब ये देखिए, सांबा, आरएसपुरा और नौशेरा सेक्टर की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है। सीमा से सटे जो गांव हैं उन्हें एहतियातन खाली करा लिया गया है। अटारी, फिरोजपुर और गुरदासपुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहां पर भी लोग अपना सामान बांधकर और फिलहाल गांवों को छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि बीती रात जो लोग गांव छोड़कर गए थे, सुबह खेती के लिए कुछ देर के लिए वापस भी लौटे थे, लेकिन लोगों से कह दिया गया है कि ज्यादा वक्त तक सीमा से सटे इलाकों में वो फिलहाल ना रहें। गांव में तनाव का माहौल है लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल की इंटरनेशनल बॉर्डर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और सबसे चुनौती भरी रात जो है ये बीएसएफ के लोगों के लिए है। आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो है नाइट डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये सूचनाएं मिल रही हैं खुफिया एजेंसियों को कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंडियन आर्मी ने जो एक ऑपरेशन किया है पीओके में आतंकी कैंपों पे, पाकिस्तान उससे काफी बौखलाया है और कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है कर सकता है। ऐसे में बीएसएफ के जवान पूरे तरीके से मुस्तैद होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में जा रहे हैं। आप मुझे बताएं किस तरह से आपको कहा गया है, क्या किस तरह की ड्यूटी इस वक्त रहती है? रात के समय सर हमें ड्यूटी काफी अलर्ट करनी पड़ती है क्योंकि जैसे आपने देखा अभी न्यूज में आया, जो हमारी फौज ने जाकर के उनका तबाही आतंकवादियों को जो तबाह किया है उससे पाकिस्तान जो है काफी बौखला गई है और हो सकता है कि कोई भी गलत कदम उठाए, इसके लिए काफी अलर्ट होकर के हम जा रहे हैं ताकि उसका जवाब हम दे सकें। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से जो है ऐसी कोशिशें करता आया है ताकि जम्मू कश्मीर और भारत में जो है आतंक के नंगे नाच को जो है वो जारी रख सके, मगर बीएसएफ और भारतीय सेना सीमाओं पर पूरे तरीके से मुस्तैद है और जानकारी के मुताबिक जो है हाई अलर्ट जो है पूरी सीमा पर, चाहे वो पंजाब हो या राजस्थान और जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वहां पर हाई अलर्ट किया गया है। कुछ गांव जो है पंजाब, हरियाणा और जम्मू के जो है उनको भी अलर्ट पे रखा गया है, उन्हें पीछे ले जाया गया है ताकि अगर कोई हरकत होती है तो उससे जो है वो निपटा जा सके। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें बीएसएफ और सेना की जो छुट्टियां हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। इस वक्त हम जीरो लाइन पर हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की और ये सामने आप फेंस देख रहे हैं जिसे बार बार पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए आतंकियों ने जो है वो भेदने की कोशिश की, मगर बीएसएफ की सतर्कता के चलते जो है उनको कामयाबी नहीं मिली और आज भी कहीं ना कहीं एक तनाव जो है वो बना हुआ है और इस तनाव को जो है कहीं ना कहीं इन बीएसएफ की और सेना के जवानों को सीमाओं पर झेलना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। जो पीओके में आतंकी कैंपों पे जो है भारतीय सेना ने कार्रवाई की है और यहां तक कि ये भी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उसके एब्स में जो है कार्रवाई कर सकता है, मगर उससे निपटने के लिए भारतीय सेना बीएसएफ जो है वो पूरे तरीके से चौकस है और पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान में भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से चार बार सीज फायर वायलेशन जो है जम्मू और कश्मीर के एलओसी के इलाके में हुई है और उसके बाद घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश जिसमें तीन से चार आतंकी पुंछ के मेंढर सेक्टर के बालाकोट इलाके से जो है वो करने घुसपैठ की फिराक में थे, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है सीमाओं पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई थी और उसी के नतीजा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई घुसपैठिया इस तरफ आने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत मार गिराया जाए। और जैसा जैसे ही जानकारी जो है सुरक्षा बलों को मिली कि तीन से चार आतंकी जो है वो आ रहे हैं, उसके बाद जो है उन्होंने अपना मोर्चा संभाला और कार्रवाई करते हुए जो है उनको घेरा, मगर अभी भी जो है वो स्थिति कहीं ना कहीं ज्यों की त्यों बनी हुई है क्योंकि तीन से चार आतंकी जो है वो जंगल के इलाके में हो सकते हैं और के लिए जो है वो हंट जो है वो जारी है, उनको मार गिराने की कोशिशें जारी रखी गई हैं। भारत के